की वीडियो रहने वाली है आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड की अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है 4 जनवरी से, लास्ट डेट रहने वाली है 14 जनवरी, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। ये जो वैकेंसीज है ये नाविक जीडी, जनरल ड्यूटी, डीबी, डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक की पोस्ट के लिए रहने वाली है। देन बात करें एज लिमिट की, तो यूआर के लिए 18 से 22, ओबीसी वालों को यहाँ 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, एसटी एंड एससी वालों को यहाँ 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। देन बात करें क्वालिफिकेशन की, तो डीबी के लिए आपका 10th पास होना जरूरी है, जीडी के लिए आपका 12th विद पीसीएम पास होना जरूरी है, यांत्रिक के लिए आपके पास 10th या 12th के बाद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा की डिग्री होना जरूरी है। देन बात करें सिलेबस की, तो देखिए डीबी 10th पास वाले के लिए आपका फर्स्ट सेक्शन जिसमें कि 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स का होता है, पर क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया, इसके लिए आपको टोटल 45 मिनट दी जाती है और यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देन बात करें सिलेबस की, तो 20 क्वेश्चन मैथ से, 15 क्वेश्चन इंग्लिश, 10 क्वेश्चन रनिंग, 10 क्वेश्चन साइंस एंड 5 क्वेश्चन रहते हैं जीके से। एंड जो यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वाले हैं उनके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स रहते हैं 30, एससी एंड एसटी वालों के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स है 27। एंड बात करें अगर आप जीडी 12th पास वाले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको डीबी वाला फर्स्ट सेक्शन तो क्लियर करना ही होगा, सेम है, सेम मिनिमम पासिंग मार्क्स है, लेकिन आपको सेकंड सेक्शन भी क्लियर करना होगा। सेकंड सेक्शन में क्या है भाई, तो 50 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क्स के, पर क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया, इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। 25 क्वेश्चन रहते हैं मैथ से, 25 क्वेश्चन रहते हैं फिजिक्स से। एंड मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें, तो यहाँ यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वालों के लिए 20 एंड एससी एंड एसटी वालों के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स रहते हैं 17, हालांकि जो कट ऑफ है वो तो हाई ही रहती है। ठीक है, देन एक प्यारा सा क्वेश्चन, क्या हम दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल से नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया नहीं एज कब से कब तक काउंट हो रही है भाई, तो यांत्रिक एंड जीडी के लिए 1 अगस्त 2000 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए एंड 31 जुलाई 2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, इस बीच ही आपकी डीओबी होनी चाहिए। एंड डीबी 10th पास वाले के लिए क्या है भाई, तो 1 अक्टूबर 2000 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 30 सितंबर 2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, एंड और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।